Hi. Let us go for a very good question. Extra practice कर, JE में पूछा गया question देख लेते हैं. Limit x tends to 0, right? With a raised to x plus b raised to x plus c raised to x upon 3 raised to 1 by x. एकदम शांति से समझ लीजिए. How to go with this? There is some function of x. ये आपका some function of x है. इसलिए आई विल कॉल दिस एज एफ एक्स. दिस इज ऑल्सो सम फंक्शन ऑफ एक्स, सो आई से दिस इज जी एक्स. ऐसा क्यों कर रहा हूं? आई हैव जस्ट एनलिस्टेड हियर व्हाट आर द डिफरेंट रिजल्ट्स और आइडेंटिटीज आई एम गोइंग टू यूज टू सॉल्व दिस. सी, वी आर सपोज टू अप्लाई फोर डिफरेंट आइडेंटिटीज फॉर ओनली वन क्वेश्चन. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. अब व्हाट इज दैट आइडेंटिटी विच वी आर गोइंग टू यूज? Limit x tends to 0, fx rest to gx will be always equal to, ये gx आगे आता है, gx यहां पर है, fx में से 1 माइनस होता है, ये पूरा का पूरा e के पावर में आ जाता है. अगेन gx fx के आगे आएगा, fx माइनस 1 होगा, लिमिट इसके साथ वही की वही रहेगी, बट ये पूरा का पूरा e रेस्ट टू के पावर में आएगा. तो इफ दिस इज योर fx एंड दिस इज योर gx, व्हाट वी शुड राइट फ्रेंड्स? We will write e rest to, this is e with limit x tends to 0. क्या है gx? What is our gx friends? So 1 upon x, and then we should write fx minus 1. This is our fx, the whole bracket is our fx. So what I should write? A rest to x plus b rest to x plus c rest to x by 3 minus 1. Fine friends. So that should give me e raised to limit x tends to 0. What I'll do is simple cheese friends. Agar main 3 LCM leta, to a raised to x plus b raised to x plus c raised to x, 3 ones are 3. So friends, you have minus 3. Now, I'm going to apply this identity. What is this, friends? So, a raised to x minus 1 upon x with limit x tends to 0 is equal to log of a to the base e. मतलब a raised to x के साथ मुझे minus 1 चाहिए. तो ये minus 3 है, इसको मैं split करता हूँ. Minus 1, minus 1, minus 1. And ये हर एक minus 1, minus 1 इसके साथ मैं लगा देता हूँ. कैसे? जरा देख लो, what I'm trying to do. Limit x tends to 0. आप देख रहे हो यहां पर नीचे x चाहिए, इसलिए ये x जो है वो मैं अंदर लेकर जाऊंगा, 3 को बाहर लाता हूं. I'll just interchange. मतलब 1 by 3 बाहर लिखता हूं, x को अंदर लेकर गया. एंड ऊपर क्या करेंगे? a raised to x माइनस लिया ना, माइनस 1 लिखता हूं, b raised to x माइनस 1, c raised to x माइनस 1. मतलब माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 3 हो गया. माइनस 3 का हिसाब, 3 को बाहर लिख दिया, x को अंदर लेता हूं, x को अंदर लेता हूं. अब यू नो फ्रेंड्स व्हाट इज इट. अब हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कि यहां पर आपने देखा है a के पावर में x है तो log ऑफ a आता है. अब इसके जगह पर b के पावर में x होगा तो log ऑफ b आएगा, एंड c के पावर में x होगा तो log ऑफ c आएगा. मतलब क्या होगा? तो e रेस टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 by 3, as such I should write a रेस टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस b रेस टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस c रेस टू x माइनस 1 अपॉन x. नाउ विद दिस 1 by 3, एक्चुअली हमने पहले से एक स्टेप बचाने के लिए, अगर हमने कुछ इसको थोड़ा सा इस बाजू पहले से ही लिखा होता तो हमारी एक स्टेप बच जाती है ना? क्योंकि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एक्सटेंड्स टू 0 के साथ 1 बाय 3 का कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसको बाहर रखते हैं. नाउ इस लिमिट के साथ जब हम ये लेते हैं फ्रेंड्स, इस लिमिट के साथ ये लेते हैं, तो ये क्या आएगा? यू नो व्हाट इज इट? लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, है ना? व्हाट इज दिस?
ये क्या कहता है, a raise to x minus 1 upon x is equal to log of a to the base e. तो what I should write here, log of a to the base e, ये a है. वैसे इस लिमिट के साथ ये लेते हैं तो a की जगह पर क्या आएगा, b आएगा. So log of b to the base e plus log of c to the base e. Fine friends, और एक मुझे लिखना पड़ेगा, और एक लिखना पड़ेगा. Okay, I'll write it here. Don't worry. You know log of n plus log of n बराबर क्या है, log of m plus n. Sorry, mn, m plus n कहां से आएगा, this mn. तो वैसा ही देखो, log of a plus log of b plus log of c, तो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. So what you have is e raised to 1 by 3 log of a into b into c. अब फ्रेंड्स आपको ये भी पता है, क्या पता है, what you know friends, कि log of a raised to x with the base e, ये x आगे आ जाता है. वैसे भाई यहां पर 1 by 3 आगे है, उसको मैं पीछे लेता हूं, मतलब ऊपर लेता हूं, राइट. तो दिस विल गो अप यहां पर, तो एग्जैक्टली उल्टा ऑपरेशन यहां पर कर रहे हैं, इसका उल्टा ऑपरेशन, मतलब x ऊपर जाता है यहां पर आता है, वैसे ही ये 1 by 3 ऊपर जाएगा. सो e raise to log of a b c raise to 1 by 3 ऑफ कोर्स विद बेस e, ये सब में बेस क्या होगा, e. फाइन. You also know कि e raised to log of x to the base e will be x, तो यहां पर x transfer होता है, तो वही है देखो, e raised to log of a b c raised to 1 by 3 to the base e, ये दोनों e है, ये दोनों e है, तो ये यहां पर transfer होता है, तो ये वहां पर transfer होगा, मतलब क्या होगा, a b c raised to 1 by 3. तो friends, this is your required answer. Is that clear? Okay, fine. Hello. Let us go for some good technique to solve typical problems. जरा ये problems भी देख लेते हैं, right? भाई इसमें square root of 1 plus 4x minus 1 minus 4x square root में divide by 2x. You know x की value 0 रखते हैं, तो this is root of 1 minus root of 1, 0 and this is 0, 0 upon 0 form. फाइन, यहां पर यू कैन गो फॉर एल हॉस्पिटल, यू कैन गो फॉर यू नो कॉन्जुगेट मेथड. टुडे आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग डिफरेंट एंड स्टिल स्पीडी सॉल्यूशन पॉसिबल विद दिस मेथड. व्हाट इज दैट? सो दिस इज बेस्ड ऑन आवर आइडेंटिटी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम. Let us recall what is our binomial theorem. 1 plus ya minus x raised to n is equal to always nc0. 1 raised to 1 hi aane wala hai, kuch bhi karenge to nc1 x aayega, x square up to x raised to n. Jab minus hoga to yahan par minus aayega, plus minus minus 1 raised to n. Now because limit extends to 0 hai yahan par, isliye we are going to avoid, क्योंकि x ऑलरेडी जीरो है, तो ये आगे वाले टर्म्स हम अवॉइड करेंगे. दिस कैन गिव यू परफेक्ट रिजल्ट इफ एट ऑल यू जस्ट अवॉइड दिस. यू विल ओनली रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ दिस एक्सपेंशन, बायनोमियल एक्सपेंशन. मतलब क्या कि यहां पर हम एन सी जीरो मतलब वन लेंगे, एन थिंग्स सी जीरो विल बी वन, प्लस माइनस nc1 will be n, n into x, इतना ही लिखेंगे. आगे के टर्म्स हम निगलेक्ट करेंगे. सो जब कभी भी ऐसा होगा तो यू कैन राइट, राइट, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. एंड नाउ वी कैन क्विकली गो फॉर दिस. देख लो फटाफट कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. नाउ यू नो फ्रेंड्स, लेट मी पुट लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो. मुझे क्या लिखना है, वन प्लस, इसका मतलब होता है, आई होप यू नो दिस इज नथिंग बट रेस्ट टू हाफ. तो यहां पर n की वैल्यू है रेस्ट टू हाफ. इफ एट ऑल आई एम सपोज टू राइट
in lucid fashion. So what we should have? 1 plus 4x raised to half minus 1 minus 4x raised to half upon 2x over. अब इसका अगर मुझे expansion इसके जैसा करना है तो what I should write? 1 plus minus nx, n यहां पर क्या है? Half. तो what we should write? Half into 4x, half into 4x, है ना? Minus. अब इसके लिए चलते. तो again I should write, what we should write? 1 minus, क्या लिखेंगे? Half into 4x upon 2x. Fine friends, this will become 2, this will become 2. 1 minus 1 cancel hoga. This is 2x minus minus plus. So 2x plus 2x, 4x. So you have limit x tends to 0. Upar bachega 4x. Niche bachega 2x. Can you cancel it? What is 4 by 2? 2 is a constant. When x tends to 0, constant 2 ki value to kya aane wali hai? 2. So that is your answer. Isn't it? Agar yehi aap conjugate se karte, to jyada bada hota. This is a quick method. With little practice, you can very well understand that. Ye 1 minus 1 cancel hi hone wala. Yahan par dekhte rahi, you can quickly answer. Ye half of 4x, matlab 2x aega. Minus minus plus. Fir se half of 2x. So 2x plus 2x, 4x. Divided by 2x, 4x divided by 2x is 2. Directly aap likh sakte ho. Same thing, agar mujhe yahan par aapko fatafat batana hai, to kya karna chahiye dekho. This is 1/3 of x square. And this is 1/3 of x square minus minus plus. So you 1 and minus 1 cancel. So 1/3 of x square plus 1/3 of x square. 2/3 of x square. 2/3 of x square upon x square. X square x square gaya. What should be your final answer? 2/3. Dekhna chahoge? Dekhte systematically. Let us go with this again. Kya sochenge? You will understand this as 1 plus x square raised to 1/3 minus 1 minus x square raised to 1/3. Of course, we have to write limit x tends to 0 upon you have x square. So, friends, I'll be applying again the same result. Instead of x, here I should consider x square. Fine, that is perfectly alright. Okay, so what we should write? Kya likhna chahiye? 1 plus. So yahan par plus hai, to plus likhna chahiye. N is 1/3. This is 1/3. Hai na? So 1/3 into x square. This is your x actually. X matlab x square hai. Minus. What I should write? Again 1. But yahan par minus hai, to minus. N kya hai? 1/3 x square. So divided by x square, divided by x square with limit x tends to 0. Fine friends, 1 minus 1 cancel. 1/3 x square plus 1/3 x square. So it is 2/3 x square. So what we should write, friends? 2/3 x square upon niche x square hai. You can cancel it. So what should be your final answer? 2/3. But did you get it? Barabar pata chala? Fine. So iske variation mein kuch bhi kaisa bhi koi poochta hai to hame aana chahiye. Chalo typically usi ki practice karte hain. Aage wala same waisa hi question. Let us go with question 8. Limit x tends to 0 fifth root of 1 minus sin x, अब यहां पर x की जगह पर sin x आ गया. 1 plus sin x, 5th root upon 2x. You can apply the same rule, right? What we can write, friends? 1 minus nx, n is 1/5, है ना? So 1/5 of sin x
माइनस अगेन वन माइनस प्लस माइनस क्या लिखोगे वन फिफ्थ ऑफ साइन एक्स होल अपॉन टू एक्स विथ ऑफ कोर्स लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो. नाउ वन माइनस वन गेट कैंसल वन बाय फाइव टाइम्स साइन एक्स माइनस माइनस वन बाय फाइव साइन एक्स. सो दिस विल बी फ्रेंड्स माइनस टू बाय फाइव साइन एक्स माइनस टू बाय फाइव ये माइनस वन बाय फाइव ये माइनस वन बाय फाइव. सो माइनस टू बाय फाइव साइन एक्स नीचे क्या आएगा टू एक्स टू टू इट कैंसल. यू नो साइन एक्स अपॉन एक्स विथ लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो विल बी वन. सो वन इंटू माइनस वन बाय फाइव वन इंटू माइनस वन बाय फाइव है ना. सो योर फाइनल आंसर इज माइनस वन बाय फाइव. ओके इज दैट क्लियर. सो कुछ नहीं करना है यू सिंपली हैव टू अप्लाई वन प्लस या माइनस एक्स एस टू एन इज इक्वल टू वन प्लस माइनस एन एक्स. अगर प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस. चलो इसकी जगह पर मान लो थोड़ा गड़बड़ मैंने किया होता ये एक्स की जगह पर मैंने मान लो आपको साइन एक्स पूछा होता एक्स की जगह पर तो यहां पर भी क्या आ जाता साइन एक्स यहां पर भी क्या आता साइन एक्स कैंसिल राइट. अगर साइन एक्स कैंसिल होता तो बाकी क्या रहता माइनस वन बाय फाइव. तो ऐसा भी पूछा जा सकता है. सो दैट इज योर फाइनल आंसर. चलो उसकी जैसी ही सम्स की प्रैक्टिस करते हैं ठीक है. सो अगेन व्हाट वी शुड डू लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो फोर एस टू एक्स माइनस वन वैसा ही रखता हूं. दिस इज रूट रूट मतलब वन प्लस एक्स एस टू हाफ वन प्लस एक्स एस टू हाफ एन की जगह पर हाफ मतलब आई कैन राइट हियर वन प्लस है तो प्लस हाफ एक्स एन एक्स n is half, so nx minus 1. So friends, this will get cancelled. Now with your permission, what I can write is, ये half x है, तो ये 2 ऊपर ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ limit के, क्योंकि x tends to 0 has nothing to do with this 2. Now what you have is 4 raised to x minus 1, नीचे रहा x. Now this is similar to this. X tends to 0, a raised to x minus 1 upon x, 4 raised to x minus 1 upon x when x tends to 0, a की जगह पर यहाँ पर 4 है, तो log of a to the base e, that is your result, है ना? तो यहाँ पर मुझे अब क्या लिखना पड़ेगा, 2 into log of a क्या है, 4 to the base e, either you can write like this, option में ऐसा है, तो ऐसा लिखना है, या तो 4 ऊपर जाएगा, है ना? तो व्हाट विल हैव इज सॉरी 2 ऊपर जाएगा 4 के ऊपर. सो लॉग ऑफ 4 का स्क्वायर टू द बेस ई दैट इज लॉग ऑफ 16 टू द बेस ई. ऐसा भी आंसर हो सकता है ऑप्शन में, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी. जिस ढंग से दिया है विल अंडरस्टैंड एंड टिक मार्क द फाइनल आंसर. ओके चलो अब इसके लिए चलते हैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फंक्शन डालकर यहां पर मैंने लिखा है. Let us go with this. Now this can be understood as again cube root. So 1 plus x rest to n. N kya hai? 1 by 3. So what we should write friends? Limit x tends to 0. Right? 1 plus x rest to 1 by 3 minus 1 upon kya hai? Log of 1 plus x. Chalte hai aage. Now लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो. चलो इसका क्या करेंगे, वन तो वैसा ही लिखेंगे एन एक्स मतलब वन बाय थ्री एक्स माइनस वन अपॉन लॉग ऑफ वन प्लस एक्स लिखेंगे. अब ये कैंसिल हो जाएगा. वन बाय थ्री हैज नथिंग टू डू विद एक्सटेंड्स टू जीरो, इसको बाहर ले लेते हैं. सो वन बाय थ्री लिमिट x tends to 0. Now friends, ऊपर रहा है x. What I'll do is, यहां पर ऊपर 1 ही लिखता हूं,
x को नीचे ले लेता हूं, मतलब log of 1 plus x whole divided by x. Now you have ready-made identity. What is that? Log of 1 plus x by x. अब ये by x का मतलब 1 by x है, so 1 by x के multiplication में, मतलब इसको ही 1 by x को ही आप इसके ऊपर रख सकते हो. So log of 1 plus x is to, आपको वैसे पता है कि 2 times log of x to the base e can be written as, कैसे लिख सकते हो? Log of x square to the base e. तो यहां पर 2 की जगह पर अगर आप देखते हो तो ये 1 by x है, 1 by x ऊपर जाएगा, and you know log of 1 plus x rest to 1 by x with limit extends to 0 is equal to 1, है ना? तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1. So 1 by 3 into 1 upon 1, so your final answer is 1 by 3. So have you got this? बराबर पता चला? Okay, good.